हेलो एंड वेलकम एवरीवन आई एम तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग एन पी सी सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मोटर ओके एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परपज़ एंड यस इलेक्ट्रिक मोटर जो टॉपिक है वो आपके डिपेंड करता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर ओके सो ये टॉपिक हम फर्स्ट क्लियर करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर पर आएंगे एंड यस वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर लूप एंड सोलिन ओके आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं क्योंकि इनके बेसिस पर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी डाउट है उन टॉपिक्स में देन आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए उसके बाद फिर हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओके जनरली आपने देखा होगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टैटिक पोजिशन में है देन अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ओके जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होगा तब इसके अराउंड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इस चार्ज को मोशन करवा दिया ओके okay? हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन करवा दिया देन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एस अ मैग्नेटिक फील्ड ओके ये हमने स्टडी किया है इन अवर प्रीवियस क्लासेस तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज ने इसके अराउंड एक फोर्स जनरेट किया है और उस फोर्स के कारण उस फोर्स के एग्जर्ट के कारण क्या हुआ है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ओके अब यहाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है मैग्नेट पर बट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में मैग्नेट भी इस इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स क्रिएट करता है जो कि हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं ओके आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है क्योंकि ये जो आप स्टडी करने जा रहे हैं ये टॉपिक वो इसी थियोरी के बेसिस पर है ओके okay? तो अब बस इसी थियोरी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा देखिए आप इस डायग्राम में आपने ए बी एक एल्यूमिनियम रोड लिया है ओके okay? एंड इस रोड को आपने हॉरिजॉन्टली एक स्टैंड के थ्रू कनेक्ट कर दिया है सस्पेंड कर दिया है ओके विद द लॉट्स ऑफ वायर कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसके थ्रू आपने इसे एक बैटरी और किसे कनेक्ट किया है किसे एल्यूमिनियम रोड को अब क्या किया हमने रोड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग शू मैग्नेट लिया शू मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आपने काफ़ी सारे देखे होंगे बार मैग्नेट होता है रिंग होता है डिस्क होता है एंड दिस इज हॉर्सू मैग्नेट। तो ये जो है, वो परमानेंट मैग्नेट के शेप हैं ओके दिस आर द शेप ऑफ परमानेंट मैग्नेट इस परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट रहता है उसे आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते ओके okay? चलिए अब क्या किया हमने कि इस मैग्नेट को इस तरह से रखा है कि ये जो एल्यूमिनियम रोड है ये मैग्नेट के दोनों पोल्स पर एस और एन के जस्ट बीच में रहे ओके एंड यस हॉर्श मैग्नेट का जो साउथ पोल है इट इज द वर्टिकली अबाउ द रोड एंड नॉर्थ पोल इज वर्टिकली बिलो द रोड इस तरह से हमने ये हॉर्शू मैग्नेट को यहाँ पर रखा है जैसे ही आप प्लग में की इंसर्ट करते हैं करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है करंट किस डायरेक्शन में हो, होगा ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके करंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड यस मैग्नेटिक फील्ड में हमने स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ओके मींस मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होती है दैट इज द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ओके तो डायरेक्शन एंड यस आउटवर्ड डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन हमें क्लियर है मैग्नेट फील्ड लाइंस की एंड करंट की एंड यस yes, जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होगा सर्किट के थ्रू तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे रोड के जस्ट आपने पास एक होर्शू मैग्नेट रखा हुआ है तो इसके कारण एक फोर्स क्रिएट होगा ऑन द रोड ओके एंड दैट फोर्स विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट ओके मीन्स ये जो रोड में डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाएंगे सर्किट में तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लेफ्ट साइड में देखा गया और जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दें देन रोड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द राइट साइड तो ये ऑब्जर्व किया गया कि रोड पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इज़ डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओके ये बात क्लियर होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंड ऑन द करंट नाउ अगर आप हॉर्शू मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर दें देन ऑब्जर्व किया है अगेन ऑब्जर्व किया गया है कि ए भी जो रोड है उसके डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आएगा मीन्स क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो ओके मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल्स आप चेंज कर देंगे देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी चेंज ओके ये बात क्लियर है तो ये टू पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर है फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर एंड फोर्स डिपेंड करता है करंट पर अब फोर्स मैक्सिमम कब और किस कंडीशन में होगा तो फोर्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो इस तरह से होगी कि जब आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को फोर्स के परपेंडिकुलर रखेंगे ओके अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको समझने के लिए एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया गया जिससे कि इजीली आपको इस टॉपिक की जो भी डायरेक्शन हैं वो क्लियर हो जाए अकॉर्डिंग टू द फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड यूज करेंगे ओके ये जो फोर फिंगर मिडल फिंगर और थम ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए सबसे पहली बात ओके डायरेक्शन और किसका डायरेक्शन है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे सबसे पहले तो आपको इन तीनों को क्या करना है परफेक्ट थम शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो ऑब्वियसली योर मिडल फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स मिडल फिंगर आपका करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है एंड थम इज इन योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओके तो इस तरह से आप इजीली डायरेक्शन्स को समझ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है अब इस तरह से अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आप किसे भी ले सकते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए ओके और आपने थ्री डी डायग्राम देखा होगा एक्स वाई जेड ओके ये इस तरह से कि ये तीनों परपेंडिकुलर है बट अगर हम इसे सिंपली तो ऐसे यूज कर सकते हैं बट अगर आप आपके यूज़ करके और इस चीज़ को समझना चाहते हैं देन डायग्राम ये होगा ओके अब देखिए फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर डिपेंड है क्वेश्चन है जो आपके एन सी की बुक में है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट टू एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर देखिए फिगर इस तरह से बना हुआ है कि ये जो लाइन्स हैं दिस लाइन्स आर शोज इन द मैग्नेटिक फील्ड ओके एंड द परपेंडिकुलर लाइन शोज द इलेक्ट्रॉन ओके ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मीन्स करंट का मूवमेंट है ओके okay. तो आपको बताना है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन बताना है तो देखिए आप अपना लेफ्ट हैंड अगर इस तरह से यूज करेंगे कि आपका ये जो फोर फिंगर है दिस इज शोज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप ये जो लाइंस हैं नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने सपोज कर लिया ये जो आपका थंब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओके देन ये जो मिडिल फिंगर है दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओके और ये कहाँ पे होगा अगर ये आप एक पेज लें और पेज के इस तरह से आप अलोंग द डायरेक्शन शो करें आपके लेफ्ट हैंड से तो आपका जो मिडल फिंगर है वो शो करेगा फोर्स और फोर्स कहाँ अप्लाई होगा इन टू द पेज पेज के अंदर ओके तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था फ्रॉम द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओके तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे सारे क्योंकि क्योंकि इन पर ही बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर ओके लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर यस नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर ओके सो इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन को प्रिंसिपल को वर्किंग को समझने के लिए आपका जो बेस्ट है दैट इज द फ्लैमिंगस लेफ्ट हैंड रूल ओके फ्लैमिंगस लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए उसी के बेसिस पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगा ओके जनरली इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है एक रोटेटिंग डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, का काम किसका होता है इलेक्ट्रिक मोटर का और इलेक्ट्रिक मोटर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैंस रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन मिक्सर्स कंप्यूटर, एम्पी प्लेयर्स, काफी सारी और भी चीजें हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है ओके okay, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है ये हम अभी देखते हैं ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में ए बी सी डी ये आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज द रैक्टेंगुलर कॉल ओके okay, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है और ये इस तरह से रखी हुई है कि जो मैग्नेट्स हैं आपको दिखाई दे रहे एन एन एस दैट इज द स्ट्रोंग मैगनेट देट क्रिएट्स द स्ट्रोंग मैग्नेटिज्म ओके तो ये इस तरह से रखे हुए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉयल ये है तो इसके अराउंड परपेंडिकुलर मैग्नेट रखे हुए हैं मैग्नेट के टू पोल्स रखे हुए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ओके okay, ये बात क्लियर है अब क्या करते हैं आप इस कोयल को इस कोयल को आप बैटरी से और की से कनेक्ट कर देते हैं और इस कोयल को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये बीच में जो स्प्लिट रिंग है स्प्लिट रिंग है ये जो है वो रोटेट करता रहता है एक्चुअली इसे कॉम्प्यूटेटर बोलते हैं और इसका जो वर्किंग है वो क्यों यूज़ किया गया है इस इलेक्ट्रिक मोटर में वो मैं आपको बाद में समझाऊँगी पहले हमने इस कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पहले उनके बारे में समझ लेते हैं उसके बाद में हम कॉम्प्यूटेटर के वर्किंग को समझेंगे ओके okay. तो देखिए हमने कॉयल को कनेक्ट किया है बैटरी से और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से है सो so,

उनसे कनेक्टेड नहीं है सिर्फ ये टच कर रहा है उन रिंग्स को तो ये ब्रश के थ्रू जब करंट एंटर होती है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि यहाँ पे कॉयल में ए टू बी रहेगा करंट की डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में ओके एंड बी टू सी देन एंड देन सी टू डी फिर डी से ब्रश वाई के थ्रू ये नेगेटिव टर्मिनल में करंट इंटर हो जाएगा ओके तो ये है करंट की डायरेक्शन अब क्या हुआ हमने बैटरी को ऑन किया मीन्स की को प्लग में इन किया देन करंट स्टार्ट हुआ फ्लो करना करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ यहाँ एक्स ब्रश के थ्रू करंट ए बी कॉयल में गया ओके okay. अब करंट की डायरेक्शन किस तरह से है ऐसे देखिए आपका वापस से यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के फॉर्म में आपके लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी क्रिएट होगा मैग्नेट भी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी एंड देन इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट हो रहा है ओके okay, सो so अगर आपका करंट की डायरेक्शन ए टू बी है मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है ये हमारा फोर फिंगर शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन ओके okay, और ये जो थंब है मेरा ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एंड टू एस होती है सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ माय थंब ओके अब क्या होता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सो डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी है ना इस तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड यूज करके देखिएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मिडिल फिंगर है आपकी वो शो करेगी फोर्स की डायरेक्शन एंड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये जो कॉयल है ये मूव करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके ये बात क्लियर है अब क्या हुआ करंट यहाँ गया बी टू सी ए टू बी आया उसके बाद में बी टू सी गया जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पैरल हो जाती है मीन्स सेम हो जाती है तो वहाँ पर करंट और मैग्नेट दोनों की जो वैल्यू है दोनों की वैल्यू के कारण जो फोर्स क्रिएट होगा वो नेग्लिजिबल होगा ओके okay. अब करंट की जो वैल्यू है सी टू डी करंट वेरी करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ सी टू डी अब सी टू डी में मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरह से आपको रखना है आपको आपका लेफ्ट हैंड किस तरह से रखना है इस तरह से देखिए ये करंट की डायरेक्शन है सी टू डी मीन्स ये जो आपका मिडिल फिंगर है दैट शोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ये ये तो फिक्स है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके देन थम थम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स आपका जो क्रिएट होगा दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो यहाँ पर जो ये कॉयल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी ओके okay, ऊपर साइड आपका कॉयल सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अगर आपका ये रेक्टेंगुलर कॉयल है तो इसने फर्स्ट हाफ में इस तरह से वर्क किया ओके मींस ए बी जो कॉयल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा उसमें और सी डी में ये सी डी है और ये ए बी है सो सी डी में अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये इस तरह से मूव हुआ ओके okay? ये इस तरह से मूव हुआ ये यहाँ से अब क्या होगा कि सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे ये सी डी बन गया और ये ए बी है ओके okay? इसने ये पूरा मूव किया ना ये राउंड तो ये क्या हुआ सी डी है अब सी डी और ए बी कोयल के जो साइड्स हैं वो तो चेंज हो नहीं सकते तो ये जो हमारा सी डी है और ये हमारा ए बी बन गया है अब सी डी में करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं क्योंकि हम बैटरी के थ्रू करंट तो वही सप्लाई कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मीन्स करंट इसी डायरेक्शन में सी डी में फ्लो होगा और ए बी में इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ओके तो क्या होगा कि ये सी में वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये फिर से रोटेट होके हाफ रोटेशन ही हुआ इसका कंप्लीट एंड फिर से ये अपनी जो पहले वाली पोजीशन है उसमें आ गया तो ये कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ कंप्लीट रोटेशन कब होगा जब ये रेक्टेंगुलर कोयल वो इस तरह से रोटेट करेगी ये हाफ रोटेशन है एंड देन दिस इज द फुल रोटेशन ओके तो रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और रोटेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपको जो करंट की डायरेक्शन है वो हाफ़ रोटेशन में चेंज करना थी और हाफ रोटेशन में चेंज नहीं की इसलिए कॉयल वापस से अपनी फर्स्ट पोजिशन में आ गई है तो आप क्या करें अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपको करंट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना होगा तभी ये मोटर ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये वर्क करेगा तो अब एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर और वो इस तरह से वर्क करता है कि उसमें स्प्लिट जो रिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है रिवर्स कर देती है डायरेक्शन ऑफ करंट को करंट की जो डायरेक्शन है उससे रिवर्स कर देती है क्या होता है कि ये जो पी और क्यू जो रिंग आप देख रहे हैं ये पी क्यू रिंग जब एक्स ब्रश से टच होगी तब तो डायरेक्शन करंट की इसी तरह से होगी बट जब ये रिंग रोटेट होके पी जो है वो वाई को टच करेगी और क्यू जो है वो एक्स को टच करेगी देन आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और आपका जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा वो इस तरह से आपकी कॉयल रोटेट करती रहेगी ओके okay? मीस यहाँ पर रोटेशन सा, किस किस तरह से हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी और कंटिन्यूसली आपको रोटेशन मिलेंगे तो कॉम्प्यूटेटर का जो काम है वो क्या होता है कि वो इजीली आपको ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू को रिवर्स कर देता है ओके okay, तो ये हमारा जो है वो वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर का इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है अब इलेक्ट्रिक मोटर में जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं कि प्रिंसिपल अगर आए सिर्फ ओनली आपको प्रिंसिपल लिखने को आए तो आपका वो क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा और प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है द तो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल ओके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आपको एज इट इज वहाँ पर लिख देना है ओके और अगर आपको प्रिंसिपल और वर्किंग दोनों आए एक साथ तो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ओके तो वर्किंग में आपका किस तरह से वर्क करता है प्रिंसिपल फ्लैमिंग्स लेफ्ट एंड रूल वो दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है आपके बुक में एंड देन आपका टू मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है दैट इज द व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का मोटर में स्प्लिट रिंग का रोल क्या है स्प्लिट रिंग जो है एज अ कॉम्यूटेटर वर्क करती है इन इलेक्ट्रिक मोटर में जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करता है ओके okay. okay. तो ये सारी चीजें हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में okay. तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे फोर्स के और इलेक्ट्रिक मोटर्स के अब नेक्स्ट क्लास में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हम क्लियर करेंगे एंड देन एक्सरसाइज देन आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओके okay, सो so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच